रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या रेलवे लाइव एलपी चैनल को बंद कर देना चाहिए क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देता है? तो ये सवाल का जवाब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन इस वीडियो का मेन मकसद है कि रेलवे लाइव एलपी चैनल आपको बोला था कि मेन लिस्ट से कोई वेटिंग लिस्ट में नहीं जाएगा, चाहे वो एलपी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे आपका पीसीएम कैंडिडेट सिग्नल एंड टेलीकॉम का है, चाहे कट ऑफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ भी कह रहे हैं कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा उसका प्रूफ देते हैं इस वीडियो में, आपको प्रूफ के साथ लेके आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जब एलपी की कट ऑफ 60 गई है तो 32 33 34 नंबर वाले को आरआरबी मुजफ्फरपुर में सिलेक्शन हो चुका है, तो कहे कट ऑफ नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे सवाल इसलिए उठ रहा है कि कुछ लोगों का कमेंट था कि आपकी आवाज़ सुन के बोल लेते हैं कि आप बूढ़े हो। कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई होता है, और ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि सही बोला जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि मेरे चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं तो मुझे बहुत ज्ञान है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं बोल दूंगा तो लोग दूसरे वाले चैनल पे जाके गलत सलत व्यवहार करेंगे, जिसके कारण से दूसरा चैनल बंद कर देगा। तो ये सब गलतफहमी है, क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है कि कौन गलत है कौन सही है, और किसको चैनल बंद कर देना चाहिए, किसे शर्म मानना चाहिए, किसे शिक्षा की ज़रूरत तभी है या किसे सीखने की ज़रूरत है, ये पब्लिक पे छोड़ देते हैं, और वो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो यहाँ आरआरबी मुजफ्फरपुर के प्रस्पेक्ट में बात करेंगे, टेक्नीशियन का पैनल आ चुका है, जिसमें हम पैनल में आपको एग्जैक्ट डाटा दिखाएंगे कि कैसे कैंडिडेट फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहते हुए भी, एलपी फर्स्ट प्रायोरिटी रहते हुए भी टेक्नीशियन क्वालिफाई किया है, क्योंकि बेचारे का नंबर 32 था। अब इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे कि 32 नंबर क्यों आया, क्योंकि ये उनकी अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से होगी, लेकिन फाइनली जो आपका रिजल्ट आया उसमें उनका नाम है। नाम के साथ आपको रोल नंबर वेरीफाई करा देंगे, नंबर वेरीफाई करा देंगे, साइको क्वालिफाई वेरीफाई करा देंगे, और उनकी कम्युनिटी के साथ आपको कैटेगरी नंबर वेरीफाई करा देंगे। तो चले देखते हैं दोस्त, यहां से आपको वेरीफाई कराते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेक्नीशियन का कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, रेलवे लाइफ एलपी ने बोला है या नहीं बोला है? तो बिल्कुल बोले हैं, और अभी भी बोल रहे हैं। मेन लिस्ट से वेटिंग लिस्ट में कोई नहीं जाएगा, ये भी बोला है कि नहीं बोला है? तो ये भी बोला है। तो चलिए, आरआरबी मुजफ्फरपुर से कुछ ऐसे प्रूफ है जिसको आपको दिखा रहा हूँ, जो लोगों की डिमांड है कि अब प्रूफ तो देना ही पड़ेगा या चैनल आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो क्या लोग क्या कहेंगे। तो लोग किसको क्या कहेंगे वो दूसरे को सोचना है, हमने आपको प्रूफ देना है, तो हम चलिए आपको प्रूफ देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, देख लेते हैं पैनल। पैनल आपने देखा होगा, कल भी देखे थे हमने, वीडियो के साथ आपके साथ आए थे, देख लीजिएगा, मुजफ्फरपुर का है। और डेट देखना चाहेंगे, जिनको कन्फ्यूजन होगा तो डेट देख लीजिएगा, आज है 28/9/19, आज हो गया 29, लेकिन ये रिजल्ट कल का था, तो कल हमने बात किया था। ये सारे कैटेगरी में अलग अलग दिया था, और शास्त्र में इन्होंने ये भी बोला था कि हमने फर्स्ट हाइएस्ट प्रिफ्रेंस को हमने दिया है इस पैनल में नाम, फर्स्ट या हाइएस्ट प्रिफ्रेंस, हाईएस्ट कोई भी हो सकता है। अगर आपने पहले नंबर पे कट ऑफ नहीं क्लियर किया, दूसरे नंबर पे कट ऑफ नहीं किया, तो तीसरे नंबर आपके लिए हाईएस्ट कैटेगरी हो गई यहाँ पे। अगर आपने पांचवें नंबर पे क्लियर किया और चौथे तक आपका कट ऑफ नहीं क्लियर है, तो आपका हाईएस्ट पीरियड कैटेगरी कौन सा है? पाँचवा है। ये लोगों का क्वेरी था, इसलिए मैंने ये भी ले लिया। यानी हाईएस्ट कहने का मतलब ये है कि वो कैटेगरी जो आपका पहला कट ऑफ क्लियर हुआ है, समझ जाइएगा। अब इस पैनल में देखिएगा तो सारा का नाम अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। कैटेगरी नंबर 18 में 2, 25 अब में आपका तो ज़्यादा कैंडिडेट हैं यहाँ पे, सीएनबी में 78, और इसी 25 में हमारा नाम है जिस कैंडिडेट को ढूंढना है, और ये नंबर देख लीजिएगा यहाँ पे है 15/10/16/08/86/90/02/2। ये नंबर याद रखिए अपने मेमोरी में, और चलते हैं आपको दिखाते हैं एक एक करके प्रूफ। तो प्रूफ दिखाने से पहले हमें समझना होगा कि क्या है यहाँ का कट ऑफ का शेड्यूल। तो कट ऑफ का शेड्यूल हमारे पास आरआरबी मुजफ्फरपुर में है। एक हम हाईलाइट आपको कर दें कि जितने भी यहाँ पे आरआरबी मुजफ्फरपुर में मेन लिस्ट या रेगुलर कैंडिडेट का कट ऑफ आया था आरआरबी मुजफ्फरपुर में, उसमें नॉर्मल कम्युनिटी में कहें
कोई भी ऐसा कटऑफ है जो 30 के आसपास हो, वो कैटेगरी कौन सा है देख लीजिएगा। 25 नंबर में यूआर के लिए 40 गया था जो मिनिमम है, एससी के लिए 34 गया था, एसटी के लिए 44 गया था और ओबीसी के लिए 30 गया था। देख सकते हैं इसमें तो कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस कटअप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट का अगर 30-32 नंबर है तो किस में हो सकता है क्वालिफाई? यूआर में हो सकता है, नहीं हो सकता है, एसी में हो सकता है, नहीं हो सकता है, एसटी में नहीं हो सकता, केवल ओबीसी एक चांस है उसमें हो सकता है, ना एक सर्विसमैन ना ओएच, पीडब्ल्यूडी में भी नहीं हो सकता है जिस कैंडिडेट का 32 स्कोर है। तो इसी को वेरीफाई कराना हमारा काम था और एक एक करके आपको दिखा देते हैं। अब कैंडिडेट का हमने दिखा दें, पहले आपको कैंडिडेट का सीबीटी का स्कोर, तो सबसे पहले देखिएगा स्कोर जनरेटेड डेट क्या है, 26/4/2019 26 तारीख को ये स्कोर जनरेट हुआ था। एलपी सीबीटी 2 और साइको कब हुआ है, साइको का पता ही होगा, उसके बाद ये रिजल्ट का स्कोर जनरेट हुआ था, उसके बाद रिजल्ट आई थी। आरआरबी मुजफ्फरपुर है, रोल रजिस्ट्रेशन नंबर मैं हटा दिया हूँ, रोल नंबर देख लीजिए फिर से 15/10/160/86/69/002 है या नहीं है। अब यहाँ देखिए प्रश्न अटैम्प्ट इन्होंने 61 किए थे, 27 करेक्ट था, 34 इनकरेक्ट हो गया, जो बहुत गड़बड़ है, लेकिन फिर भी जॉब मिला है तो यहाँ पे कह सकते हैं। एक प्रश्न को इग्नोर है, 100 नंबर का प्रश्न है, यानी सीबीटी 2 100 नंबर का है, ये वेरीफाई हो रहा है आपका पार्ट ए के लिए। उसके बाद इन्होंने रॉ मार्क्स कितने आए थे, 15.66/66/7। इसके बाद अगर देखना चाहेंगे तो इनके प्रो रेटेड मार्क थोड़े से बढ़ गए एक क्वेश्चन इग्नोर करने के कारण, और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना हुआ, 32.35। ट्रेड कौन सा था, फिटर था। पोस्ट प्रेफरेंस आपके सामने है, पहले एलपी, पहले एलपी, दो पोस्ट प्रेफरेंस एलपी का है, यानी एलपी मैकेनिकल, एलपी इलेक्ट्रिकल। तीसरे नंबर पर इनका पोस्ट प्रेफरेंस 25 नंबर है जो टेक्नीशियन सी एंड डब्ल्यू है, कह सकते हैं टेक्नीशियन 3 कैरिज एंड वैगन, जो फिटर का सबसे कम कट ऑफ जाने वाला आरआरबी, मैक्सिमम आरआरबी में इसमें कट ऑफ कम गया है क्योंकि पोस्ट ज़्यादा होता है और इसको अप्लाई कम लोग करते हैं क्योंकि ये डिपो वगैरह और ये थोड़े से जॉब मेन लाइन की जॉब नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा इस कट ऑफ को देखते ही आपको पता चल जाएगा और कह सकते हैं आप एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि इनका एलपी फर्स्ट प्रेफरेंस था तो साइको के लिए क्वालिफाई हुए थे कि नहीं, तो साइको के लिए तो क्वालिफाई हो गए, यस है, लेकिन 32 नंबर में एलपी कौन देगा आप बता सकते हैं, क्योंकि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं एलपी की कट ऑफ यहाँ 60/61/62/63 गया था ओबीसी का, समझ सकते हैं। और जो कैंडिडेट का 32 नंबर है उसको एलपी तो मिलने से रहा, साइको में कितने स्कोर करेंगे, 30/30 भी करते तब जाके इनका इसमें से 70% यूज होता, तो 21 नंबर यहाँ से और 30 नंबर यहाँ से भी यूज होता तब भी इनका नंबर 51-52 बनता, यानी एलपी तो पॉसिबल ही नहीं था, कटअप है ही नहीं, तो किस में ही पॉसिबल है, वो एक ही कैटेगरी है जो सीबीटी का डायरेक्ट स्कोर कैटेगरी नंबर 25 में है। अब यहाँ से बात करते हैं इनका पोस्ट प्रेफरेंस हमने देख लिया, सारा देख लिया, उसके बाद हम अगले में चलेंगे तो अगला हमें दिखेगा जो रिजल्ट है। रिजल्ट हमने आपके लिए ला लिया है आरआरबी मुजफ्फरपुर, बढ़िया से देख लीजिएगा, और आपको नंबर वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से नंबर याद करना पड़ेगा, बिना नंबर के तो हम कह नहीं सकते। तो ये है जिनका रोल नंबर 15/10/160/86/69/00/22/22 याद रखिएगा, 15/10/160/86/69/00/22 अब इनको देखते हैं रिजल्ट में, हम रिजल्ट में चलेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है, बिल्कुल रिजल्ट है और कैटेगरी नंबर कितने पे है, 25। यहाँ से हमने आपको पहले ही दिखा दिया था 1, 2, 3, 4 आपके पास भी ये लिस्ट होगा, ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं कहिएगा कि ये नंबर चेंज किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से इस लिस्ट को डाउनलोड कर ले, जो पैनल का है उसमें 15/10/160/86/69/00/22 कैंडिडेट का सुनहरा अक्षरों में नाम है। अब किस चैनल को बंद होना चाहिए ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि अपने मुंह से बड़ी बात बोलना
थोड़ी सी सही नहीं है। सही तो उनके लिए है जिनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान के लिए आपको क्या होता है, हमेशा आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करना पड़ता है, और जो भी पब्लिक में बोलना होता है थोड़े ध्यान से टेक्निकली समझ के बोलना होता है। तो कह दें, अब सवाल आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि रेलवे लाइफ एलपी चैनल बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा, या इसके बदले और भी चैनल बंद होने चाहिए जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, स्कैम कराते हैं, और भी जो भी सारी सूचनाएं देते हैं उनको सोचना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। मैं बंद करने की नहीं कहूँगा, मैं वेल रिस्पेक्ट करूँगा कि आप चलाते रहो लेकिन सूचना सही दो, नहीं तो ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। थैंक यू।